कभी आपने किसी रॉकेट को उड़ते हुए देखा है? जब रॉकेट ऊपर जाता है या कोई भी सैटेलाइट ऊपर जाता है तो वो ऊपर जाते वक्त हर थोड़ी दूरी तय करने के बाद नीचे के एक हिस्से को छोड़ देता है। उस एक हिस्से को छोड़ने से उसको फिर से थ्रस्ट मिलता है, वो फिर और ऊपर जाता है, वो फिर से नीचे के एक हिस्से को छोड़ देता है। धीरे धीरे नीचे के हिस्सों को छोड़ते छोड़ते जाके वो ऑर्बिट में स्थापित होता है। ठीक उसी तरीके से हमको भी ऊपर जाने के लिए बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। लोग सोचते हैं बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है, मैं बोलता हूं सीखने के पहले बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज जो आपको छोड़नी होगी वो है लोड लेना। किसी ने मुझको ये कह दिया तो मैंने लोड ले लिया, किसी ने मेरे को इग्नोर कर दिया तो मैंने लोड ले लिया, किसी ने मेरे को बराबर वजन नहीं दिया तो मैंने लोड ले लिया, मैं किसी पार्टी में गया वहां किसी ने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैंने लोड ले लिया, किसी ने मेरे विचार का सम्मान नहीं किया तो मैंने लोड ले लिया, कोई मेरे विरोध में दो लाइन बोल गया मैं लोड ले लिया। बड़ा होने के लिए आपका हल्का होना बहुत जरूरी है। हल्का होने के लिए सबसे बड़ी कला जो हर इंसान को सीखनी चाहिए वो एक कला है, नजरअंदाज करने की कला। लोड लेने वाला आदमी लोडर वो कभी बड़ा नहीं होता। बड़ा कौन होता है? जो लोगों को नजरअंदाज करते हुए चलता है। बड़ा वो होता है कि किसी ने कोई उससे रॉन्ग व्यवहार कर दिया तो वो उससे बोले ठीक है यार इसको जो सही लगा इसने किया। बड़ा वो होता है जो किसी ने कभी कुछ उल्टी सीधी बात कह दी तो वो रात को सोने के पहले वो कह दे आज जितने भी लोगों ने मेरा दिल दुखाया, मैंने जिसका भी दिल दुखाया उन सबको मैं माफ करता हूं। बड़ा वो होगा जो सारे धागों से सारी स्ट्रिंग से आजाद होगा। वो कभी बड़ा नहीं होगा जो सुबह एक घटना घटी और रात को नींद में वो बिस्तर पे लेट कर अपनी सीलिंग को देखता हुआ सोचते रहा इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि बड़ा होना चाहते हैं तो पहले खुद को हल्का कीजिए। भारी आदमी कभी बड़ा नहीं होता। एक विमान में भी लिमिटेड वजन ले जाने की अनुमति क्यों होती है? ताकि विमान फ्लाई कर सके। यदि उसमें पूरा वजन भर दिया जाए तो वो तो अपनी स्पीड ही नहीं पकड़ पाएगा, टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। एक कार कब बहुत स्पीड भागती है? जब वो बहुत लोडेड ना हो। ठीक उसी तरीके से आप तभी बढ़ सकते हैं, तभी बड़े हो सकते हैं जब आप लोड ना लें। और उसके लिए एक सबसे बड़ी कला जो दुनिया के महान से महान व्यक्ति में होती है वो कला है चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कला, चीज़ों को इग्नोर कर देने की कला, किसने मेरे को क्या कह दिया या मेरे साथ क्या कर दिया उसको भूल जाने की कला, और अच्छे अनुभवों को याद रखने की कला। मुश्किल ये है कि दुनिया में आदमी अच्छे अनुभव को याद नहीं रखता लेकिन बुरे अनुभवों को याद रखता है। एक कॉमेडियन ने कहानी सुनाई। उस कॉमेडियन ने कहा कि यदि मैं एक चुटकुला एक बार सुनाऊंगा तो आप हंसोगे? सबने कहा हाँ। उसने कहा मैं दूसरी बार सुनाऊंगा तो बोले थोड़ा कम हंसेंगे लेकिन फिर भी हंसेंगे। उसने कहा मैं तीसरी बार सुनाऊंगा तो बोले अब नहीं हंसेंगे। मैं चौथी बार सुनाऊंगा तो बोले अब गुस्सा करेंगे। पांचवी बार सुनाऊंगा तो बोले मारने दौड़ेंगे। तो एक चुटकुला आपको एक बार हंसाता है और अगली हर बार उससे हंसी कम होती जाती है और गुस्सा आते आता है। लेकिन एक कड़वा अनुभव आपके साथ 10 साल पहले भी हुआ तो उसको आप आज भी याद करते हो तो कड़वाहट से भर उठते हो। ऐसा क्यों? कड़वा अनुभव की लाइफ इतनी ज्यादा और अच्छे अनुभव की लाइफ इतना कम क्यों? यदि हमको बड़ा बनना है तो हमको कड़वे अनुभवों को नजरअंदाज करने की कला सीखनी पड़ेगी और अच्छे अनुभवों को मेमोरी में फिट करने की अदा सीखनी पड़ेगी। यदि इतनी सी छोटी सी बात आप याद रख लें तो दुनिया में कोई ताकत आपकी तरक्की को नहीं रोक सकती। शुक्रिया, धन्यवाद।